हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मैं लड़की कौन है? बेटा ये लड़की तुम्हारी बहन है। मेरी बहन? हाँ बेटा, बचपन तुमसे कह रही थी तुम बहन भाई दो थे। हाँ माँ। दोनों को जालिम से उठा ले गया था, तुम्हें तो खेत में फेंक दिया था और इसी ने जाकर एक तवाब के यहाँ मुन्नी भाई कोठे दे दिया था। क्या कहा, मुझे खेत में फेंका और मेरी बहन को ले गया। तो गई तो मांगने गया उसकी माँ से, उसकी माँ ने इनकार कर दिया तो जालिम सिंह उसकी माँ को गोली मार दिया। क्या कहा, जिस माँ ने पाला मेरी बहन को उस माँ को गोली मार दिया? हाँ बेटा, तो उसके गोली मार दिया, इसकी इज्जत पे हमला किया और बेचारी भागती हुई यहाँ तक चली आई है। क्या कहा, मेरी बहन के साथ ये जुल्म ढाया जा रहा है। अरे भगवान, ये मेरी जिंदगी में लानत है कि मेरी माँ बहन पर इस तरीके से मुसीबत और जुल्म पड़े। ये तुम्हारा बदनसीब भाई, मेरी बहन आज तक जीवन में तुमने बहुत मुसीबत उठाई, ये तेरा भाई आ तुझे पुकार रहा। भैया मुझ पे जमींदार जालिम सिंह ने बहुत जुल्म ढाया भैया, भैया वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था, भैया मेरी इज्जत लूटना चाहता था। तुम्हारी कसम, जब तक मैं जमींदार को दौड़ाकर गोली नहीं मारूंगा मैं अपने घर में अल जल नहीं करूंगा। रुक जाओ भैया, भैया बरसों के बाद मिले हो भैया, आज रक्षाबंधन का दिन है भैया, कम से कम अपनी कलाई पे राखी तो बंधवाते जाओ भैया। क्या कहा बहने, ये भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार है और आज जीवन में बहन से मुलाकात हुई तो मैं अपने बहन का दिल नहीं तोड़ूंगा। जब हिंदू धर्म में भाई बहन का सबसे बड़ा प्यार राखी का बंधन है तो मैं राखी बनाऊंगा। हाँ भैया, मैं राखी जरूर बांधूंगी भैया। या भगवान, आज तक मुझे भाई कहने वाली कोई बहन नहीं थी, आज मेरी बहन मिली 30 सालों में, मैं अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ूंगा। भैया इसे समझो नारे सम कतार भैया, इसे समझो नारे सम कतार भैया, इसका मतलब है राखी का प्यार भैया। इसे समझो नारे सम कतार भैया, इसका मतलब है राखी का प्यार भैया। प्यार भैया, प्यार भैया, हाँ प्यार भैया। देखो बहन, आज तो मैं राखी की बधाई नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं जा रहा हूँ बहन, मैं एक दिन राखी की बधाई अदा कर दूंगा। मेरी बहना, मेरी बहना, राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना, बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया। बहन मैं जा रहा हूँ, मैं परसों मुलाकात करेंगे रात में फिर आऊंगा। हाँ भैया भाग जाओ भैया, नहीं पुलिस आ रही है माँ, पुलिस आ गई है, क्या करोगी? बात छोड़ो छोड़े साहब, साथ में मेरी चांदी है छोटे साहब। हाँ साहब, ये तो वही चांद है जो मेरे मिली थी, यहाँ क्या करी, क्या करी हुई यहाँ? अरे मेरी चांद कैसे यहाँ आ गई हो,
खुशी मिल गई है। साहब क्या बात है, ये बात मेरी समझ नहीं आ रहा है। साहब समझी माजरा कुछ न आता, साहब समझी माजरा कुछ न आता, साहब समझी माजरा कुछ न आता, कहो मेरी बेटी क्या इनसे है नाता, कहो मेरी बेटी क्या इनसे है नाता, क्या नाता इनसे। मेरी माता बताऊं छुपाऊं नहीं, काफी दिन से इन्हें प्यार मैं कर लिया, देख कर इनकी निशानियत माँ सुनो, जीवन साथी इन्हें माँ तुम मैं चुन लिया। इन्होंने मेरी मुश्किल में बहुत मदद की है माँ, मैंने इन्हें अपना जीवन साथी चुन लिया है माँ, मुझे माफ कर। बेटी घबराओ नहीं, अगर तुम बहुत दिनों के बाद मुझसे मिली हो और इन्हें अपना जीवन साथी बना लिया है तो मेरी बात सुन बेटी। मुझको बचपन की बिछड़ी लली मिल गई, धूम से तेरी शादी रचाऊंगी मैं, मुझको बचपन की बिछड़ी बेटी। अगर ऐसी बात है मैं परसों ही बारात बुलवा करके तुम्हारी शादी इनके साथ कर दूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा माँ। साहब हाँ माँ, परसों बारात लेके आइए साहब, मैं अपनी बेटी के शादी करके आपके साथ कर दूंगी, इनका निवाह पार आपके साथ ठीक है मैम। मैं परसों बारात लेकर जरूर आऊंगा। ठीक है साहब ना, छोड़दार चलिए मैं जरूर। सर एक बात, मैं असमंजस में पड़ा हुआ हूँ। क्या बात है? कभी ये चांद कह रही थी कि मुन्नी बाई मेरी माँ है, आज इस बुढ़िया को अपनी माँ बता रही है। एक लड़की की कितनी माँ हो सकती है साहब? साहब ये सच है कि मैं मुन्नी बाई को मैं अपनी माँ बता रही थी। साहब ये भी मेरी माँ है और मुन्नी बाई भी मेरी माँ है। कैसे दो माँ है तुम्हारे? साहब मेरी जन्म देने वाली असली माँ यही है साहब। और मुन्नी बाई माँ ने तो सिर्फ मुझे पाला था। कैसे मुन्नी बाई की कोठे पे पहुंच गई तुम? साहब जब मैं दो माह की थी तब जमींदार जालिम सिंह मेरी माँ के यहाँ से उठा कर ले गया, मुन्नी बाई को दे दिया था। फिर तो तुम्हारी सगी माँ यही है। जी साहब ठीक है ठीक है, जाओ हम लोग धूमधाम से बारात लेकर आएंगे, तुम चिंता नहीं करना। ठीक है साहब चलो माँ चलो। छोटे साहब, साहब आप तो बड़े ही खुश नसीब हैं साहब। कैसे? यूं कि मुझे 48 साल नौकरी करते हुआ मेरी शादी अभी तक कहीं नहीं हुई, आपको केवल एक साल हुआ आपकी शादी चांद के साथ तय हो गई। छोटे साहब अभी आपकी उम्र ही क्या शादी कर रहे हो? सर ओनली 48 ईयर्स, केवल 48 साल बस। आजकल तो 60-70 साल में भी शादी हो जा रही है। तो बस आप चौकीदार अभी पहुंच जाने लगे शादी हो जाएगी। गधाई इडियट कहीं का। एक बात ये बता दे, चांद के साथ मेले में जो एक दूसरी लड़की थी बड़े पेट वाली, वो लड़की कहाँ है बे? उसे बुला के ला दे, उसकी शादी मेरे साथ हो जाती। साहब मेरी तो रील ही कटती चली जा रही है। छोटे साहब चलिए हो गया। छोड़ो कोई बात नहीं, मैं अपनी शादी कब्रिस्तान में करूंगा। छोटे साहब मैं चल रहा हूँ। चलो साहब आप शादी के लिए हाथ इंतजाम रखिएगा। ठीक है। अरे चौकीदार शादी की हर व्यवस्था करना तुम्हारा काम है, और बैंड वालों को बयाना दे देना। बैंड वालों को, और शादी हम ये पुराने रिवाज से चलेंगे बारात। पुराने रिवाज का मतलब साहब? पुराने रिवाज में डोली और मियाना चलता था, वो जो कहां लोग कंधे पे लेकर चलते थे। यस सर। तो तुम उसकी भी व्यवस्था कर लेना। यस सर। और जितनी भी व्यवस्था है सब तुम्हारे ऊपर है। यस सर। क्योंकि तुम बहुत अच्छे चौकीदार हो मोसड़ी वाले।
चलिए साथ चलिए। अब समझ में आया, इसका मतलब कि चांद की शादी इंस्पेक्टर सूरज के साथ, और परसों बारात लेकर इंस्पेक्टर सूरज चांद के घर जाएगा। ठीक है, देखता हूं ये शादी कैसी होती है। अब ये खबर चलकर मैं ठाकुर जालिम सिंह को बताता हूं। अभी तक मैं सपना नहीं दिखा सका, मुझे ऐसा लग रहा है कि सपना साकार नहीं होगा, सपना राजकरण नहीं दिखेगा। लेकिन नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मैं भोलेनाथ की कसम खा रहा हूं कि जब तक राजकरण सिंह को सपना नहीं दिखाऊंगा और माखन को इस दुनिया से दूर नहीं करूंगा, तब तक सूर्योदय नहीं होगा। भोलेनाथ की कसम है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। अरे दर्शन, ओ दर्शन। बाबू साहब, तुम्हें मालूम है न चांद का कोई पता चल रहा है न माखना साले का, और माखन की तलाश है। राजकरण सिंह सपना नहीं देखा, और जब तक सपना नहीं दिखाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर कहीं पता चलता है माखन का और चांद का तो मुझे फौरन सूचित करो। बाबू साहब, आप जिस चांद को अपने दिलो दिमाग में बिठाए बैठे हैं, उस चांद का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए बाबू साहब, क्योंकि जिस चांद के लिए आप इतना परेशान हैं, वो चांद परसों किसी की दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली जाएगी और आप हाथ पर हाथ रखे बैठ रहे जाएंगे। बाबू साहब, ससुराल जाएगी? जी हाँ। वो कौन है साला जो पैदा हो गया है अपने ही हलके में, अपने ही थाने में एक नया इंस्पेक्टर आया है जिसका नाम है इंस्पेक्टर सूरज सिंह। पुलिस इंस्पेक्टर सूरज सिंह? जी बाबू साहब। वो साला अपनी मौत लेकर आ रहा है चांद के साथ शादी करने के लिए। परसों बारात लेकर चांद के घर आएगा बाबू साहब, ये नामुमकिन है। अरे सूरज, तुम्हारी मौत जालिम सिंह के हाथ में है। आराम जादे, कहाँ जाएगी? अरे बनकर दुल्हन चाहेगी चांद हमारी। लिया है दिल में, ऐसा नहीं होगा। चली जाए दुल्हन बनकर, ऐसा राग कमा रहा है हमारा दिल उसी का है, वो मेरी माँ है पारा है। सूरज, मैं कसम खा रहा हूँ कि अगर साले तुम्हें मंडप में गोली ना मारा, दुनिया से दूर न किया, तो जालिम सिंह की माँ का तू था। अरे मास्टर, आज मेरी बेटी की शादी है, निमंत्रण सब मिला है कि नहीं? हेलो बुढ़ी माँ, बारात आ गई है। बारात आ गई? हाँ, ये देखो सब बारात की ये खड़े हुए हैं। वो देखो बारात वाले सब कितना मुस्कुरा रहे, देखो। हाँ ठीक है, हम लोग भी आ गए। ठीक है ठीक है, आजकल का रिवाज है औरतें भी बारात में चलने लगी हैं। बारात में जो औरतें आई हैं सब वो मंदिर पे बैठी हुई है। नहीं साहब, द्वार पूजा देखने आई हैं। अच्छा, आज तुम्हारा चौकीदार कहाँ गया? और शंतु प्रधान भी आए हुए हैं बारात में, चिंता नहीं करो। देखो भैया, प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा, ये दूल्हा के मामा है। दूल्हा के मामा है? दूल्हे का बाप ढूंढ रहा है कहीं का ही यार। देखिए बेटा, मेरे घर में और कोई है नहीं। हाँ माता जी बताइए, काम तुम थोड़ा सा कर दो, सेवा बताइए। शशि भाई भी बेटा, मिश्रा जी भी है बारात में, बताइए माता जी। बेटा जाओ, जो नाव ने उसे सहेद दो कि लड़की को नहला दुला करके मंडप में लेके आए। अच्छी बात माता जी, जाओ जल्दी करो, जल्दी करो। हरिया हरिया, कौन हरिया? अबे जल्दी करो। अरे ना उन घोपले कमाई, का क्या हो नंदोई? का वा लिड़ दोई करा तू, का वा हो? दिया पड़ा बाटे यहाँ, सब पानी बरसा, सारा सामान भीग जा रहा है, जल्दी कराओ। का हो? लड़की के लिए आ गया, जल्दी भावर कराओ, शादी कराओ। अच्छा अच्छा, जल्दी आओ। तहु ना हाथ धो के आए, तहु ना हाथ धो के आए। ये नाउन कहाँ रहने वाली? यही नौनिया तो आज मैंने कहा।
देखे माँ जी। जल्दी करो नहीं भद्रा लग जाएगा। तुमको अभी तुम इसमें कोई बहादुरी तुम्हारी नहीं, मर्द है सामने आके गोली चला, एक सूरज गया है और आ जाएंगे आज तेरी चिता दू यहाँ पे जला। सूरज आराम जाने, तू अपनी मौत लेकर आया है चांद के साथ शादी करने के लिए। चांद का डोला मैं लेके जाऊंगा। अबे गधे की औलाद, अबे गधे तो तुम्हें दुनिया से दूर करेगा। मर्द होता तो सामने से रिवॉल्वर लगाया होता। ये बहुत पुराना रिकॉर्ड जालिम सिंह का है, दुश्मन के साथ ही शुरू किया जाता है। मौत के लिए तैयार हो जा। अबे चला गोली फेरा। अगर कोई हिलने की कोशिश किया तो खटका तब जाएगा, तब निकल जाएगी। हाथों पर नर नारी सही। नंबर एक, नंबर दो, साले खोपड़ी है, दूर आएगी नजर में, सोच लेना। अच्छे मौके पे आए हो माखन, यहाँ अच्छे मौके पर आए हो माखन, यहाँ सबको एक साथ भेजूंगा मुल्के अदम। अब मैं कोई किसी का सुनूंगा नहीं और खाऊं किसी पर चढ़ाना है। बंद कर दो, पहचान है कौन है? हाँ, इस रार को पहचानता हूँ। मैं जवान में लगाम तो कर मेरी माँ को गाली दिया, हराम खोर, तो तेरी जिंदगी से खेल जाऊंगा। मखना, आज मौके पे आ गया हो सारे सर को बता। जलमा सिंह कहाँ है तेरे? हराम जादे, ये राजकरण सिंह की पत्नी है, पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसे साले को दुनिया से दूर कर दिया। और जो दुल्हन बनी, ये राजकरण सिंह की बेटी है, जिसे मैं उठा लाया था और इसी के लिए सब कुछ किया। और इस मेरी बहन को तुमने तवायफ किया? अरे साले जोड़ा लेके जाऊंगा। ये मेरी बहन है। तेरी बहन? दोनों बच्चों को जब लाए तो मेरी बहन को तुम तवायफ कर दिए और मुझे खेत में फेंक दिए थे। कैलाश के सामने पाकर पाला जवान किया और आज तक मेरी माँ बहन पर जुर्म ढाते रहे। हराम खोर, मैं तुझे माँ बेटा देख लिए, मेरी बहन की विदाई कर देना। मैं राखी की बधाई नहीं दे पाया, मैंने सोचा था कि राखी की बधाई में अपनी बहन की डोली उठाऊंगा, लेकिन बेटा ये पुलिस वाले हैं, ये मेरे पीछे पड़े हैं।
माँ मैं जा रहा हूँ। बेटा कैसे निकल पाओगे, पुलिस तुम्हें चारों तरफ घेर चुकी है। ये पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे माँ, मुझे जाने दो। आराम जादे, निगाहें उठा कर देखो, आई एम पुलिस इंस्पेक्टर, माय नेम इज सूरज। अच्छा तो इंस्पेक्टर साहब आप जरा अपने जान की शुक्रिया मनाओ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है जालिम सिंह से। हाँ हाँ, मेरी जान इसलिए बताया हो कि यहाँ से भाग कर चले जाओगे। क्या मुझे गिरफ्तार कर लोगे? माखन सिंह तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि यहाँ से भाग कर चले जाओगे। इंस्पेक्टर साहब जिस माँ के प्यार के लिए आज तक मैं तरसता था, उस माँ को अगर दोबारा जुबान से फिर कुछ निकला तो बहुत बुरा है। कान खोल कर सुन लो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, तुम्हारे बचने के लिए अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। बेहतर यही है कि तुम हथियार डालकर कानून के हवाले हो जाओ, आत्मसमर्पण कर लो, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नालायक कहीं जाओ, अपना हथियार पुलिस वालों के सामने नहीं डालूंगा। माखन सिंह हथियार नहीं डालोगे तो तुम्हारे जिस्म के अंदर इतने बारूद छर्रे डालूंगा कि पानी मांगना दुर्लभ हो जाएगा। नहीं बेटा, तुम्हें मेरी कसम है बेटा, तुम्हें गोली मार दे कहाँ पाऊंगी मैं। बूढ़ी माँ का ख्याल सही। माँ बेटा तुमने मुझे मजबूर कर दिया। माँ दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ नहीं, जो अपने माता और पिता का कहना नहीं माना वो नालायक पुत्र कहलाया गया। इतने दिन के बाद मेरी माँ मिली और मैं माँ का कहना न करूँ। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे कहने से अपना हथियार पुलिस वालों के सामने डाल दे रहा हूँ। चलो उठा अपना। माँ बेटा अब बेटा तुमने मुझे मजबूर कर दिया। माँ मैं तुम्हारे कहने से हथियार डाल दिया और जालिम सिंह ने मुझे गोली मार दिया। मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाया माँ। बेटा मुझे माफ करना मैया, जिंदगी भर तुमने मुसीबत उठाई और आज बड़ी खुशी की यह बात है माँ कि जैसे तुम्हारी कोख से मेरा जन्म हुआ वैसे तुम्हारे आंचल में मेरा दम टूटे। इतना करना माँ। अरे माई महतारी मोरी तपनिया बुझाए जा, चलत कि बेरी माया चरा बढ़ाए जा, चलत माई महतारी मोरी तपनिया बुझाए जा, चलत कि बेरी माया चरा। कवि ने लिखा है डोली और जनाजा उर्फ डाकू माखन सिंह यानी वफादार तवाया अनमोल कफन। जमींदार जालिम सिंह ने धोखे से भाई पर गोली चला दिया। इधर मेरे बेटे का जनाजा उठेगा, इधर मेरे बेटे का जनाजा उठेगा, उधर मेरी बेटी की डोली सजी है, इधर मेरे बेटे का जनाजा उठेगा, इधर मेरी बेटी की डोली सजी है, पहले कयामत हो यार अभी, कयामत से पहले कयामत हो यार अभी, मेरे सामने मेरी दुनिया।
बेटा। हाँ माँ। मेरे परिवार में कोई नहीं रहा, ये बेटी मैं आपके हवाले करती, आपका निभा पारिस आपके साथ मेरी बेटी का होगा, देखना कहीं इसे भूल हो जाए तो उसे माफ कर देना बेटा। माँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दी हुई अमानत मैं सदैव संभाल कर रखूंगा, और माँ के बदले आप मुझे माँ मिल गई हैं, मैं सदैव आपको माँ की तरह सम्मान देता रहूंगा। माँ जय शारदा मैया की। हमारे इस चैनल भोजपुरी नाच नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।